बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टू क्लास, आज हम यूनिट नंबर 7 वाटर वेदर एंड विंड, उसका जो टॉपिक है विंड, वो हमने कल भी स्टडी किया था, आज एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, टू क्लास पेज नंबर 38 पे आ जाएं। टॉपिक है विंड। विंड इज़ मूविंग एयर। विंड जो है वो क्या है, चलती फिरती हवा को हम विंड कहते हैं। विंड कैन बी गुड, विंड जो है वो अच्छी भी हो सकती है। विंड कैन सेपरेट सीड सो दैट प्लांट ग्रो। ठीक है, विंड जो है वो किस तरह अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब हवा चलती है जिसकी वजह से सीड जो है वो सेपरेट यानी फैलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस वजह से हम विंड को कहते हैं कि विंड जो है वो गुड है। विंड कैन ब्लो डर्टी एयर अवे फ्रॉम वेयर पीपल लिव। और जो विंड जो है वो गंदी हवा जो है, जब वो विंड चलती है तो गंदी हवा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से दूर चली जाती है। विंड कैन आल्सो भी बैड, विंड जो है वो बुरी भी हो सकती है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन मेक बिल्डिंग्स शेक और इवन फॉल डाउन। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तब क्या होता है, बिल्डिंग्स जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो गिर भी जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि विंड जो है वो कभी कभी बुरी भी होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन बी विंड बैड, यानी हवा जो है वो किस तरह बुरी होती है। हमने अभी अपने टॉपिक में पढ़ा कि विंड जो है वो इसलिए बुरी होती है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि वो विंड जो है वो बैड है। इसका आंसर है, विंड कैन बी बैड बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन मेक बिल्डिंग्स शेक और इवन फॉल डाउन। कि विंड जो है इसलिए बुरी होती है कि जब बहुत ज़्यादा हवा चले तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शेक यानी वो हिल जाती हैं, और इवन फॉल डाउन वो गिर भी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्वेश्चन को राइट करना है। ठीक है, आपकी डायरी ये है कि आपने इस टॉपिक को अगेन से रीड करना है, इस क्वेश्चन को राइट भी करना और लर्न भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।